नमस्कार, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कल के दिन के कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक जिनमें आप ट्रेड करेंगे तो आपको मुनाफा जरूर होगा। साथ साथ बताऊंगा निफ्टी के बारे में, और आज के दिन में जो स्टॉक्स हमने आपको रिकमेंड करे थे उनमें आज क्या हुआ, किस किस स्टॉक्स में टारगेट आए, और ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो आप कल के दिन में अपनी पोजीशन उसमें बना सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है काफी एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आपको आखिर तक जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। अब मैं क्या करता हूं, पहले लेकर जाऊंगा आपको निफ्टी के चार्ट पे। पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं कि फिलहाल अभी निफ्टी के चार्ट पे क्या लग रहा है। तो ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है, और जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में एक बहुत ही जबरदस्त पैटर्न दिखाई दे रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है कि इसमें टारगेट जरूर आएगा। और अभी फिलहाल निफ्टी में क्या लग रहा है वो पोजीशन मैं आपको पूरी बता देता हूं। आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों कि निफ्टी में ये एक अप ट्रेंड दिखाई दिया था, यहां पे जाके ना निफ्टी, ये स्पॉट मार्केट का चार्ट दिखा रहा हूं आपको, निफ्टी ने यहां पे 14,665 रुपए के आसपास का हाई बना दिया था। उसके बाद क्या था, मार्केट में गिरावट आई। अब यहां पे मार्केट जो उछला है, ये जो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहां पे ना इसने पैटर्न बना दिया जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। अब डबल टॉप पैटर्न यहां पे जैसे आप देख रहे हैं, यहां पे डबल टॉप पैटर्न बना है। बट अगर मैं बात करूं डायवर्जेंस की, तो डायवर्जेंस काफी पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, जिससे मुझे यह लग रहा है कि मार्केट में गिरावट आएगी। और अभी फिलहाल जो निफ्टी है बहुत ही जल्दी दोस्तों 14,100 के आसपास का रेट दिखा सकता है। अभी फिलहाल चार्ट हमारा ये कह रहा है। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाता हूं, और मैं क्या करूंगा इसके डेली के चार्ट पे आपको लेके जाता हूं। अब यहां पे ना आप डेली का चार्ट देख रहे हैं, यहां पे डेली का चार्ट देख रहे हैं, डेली के चार्ट में क्या है, डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, और यहां से ना नेगेटिव डाइवर्जेंस चलते हुए आ रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंगली निफ्टी का जो टारगेट बनता है, मैं बात करो लॉन्ग टर्म की, निफ्टी का जो टारगेट बनता है लॉन्ग टर्म में, वो बन रहा है 213,100 रुपए का। 13,100 रुपए का टारगेट फिलहाल मुझे दिख रहा है। और ये जो डबल टॉप पैटर्न है, इसको बोलते हैं स्मॉल डबल टॉप पैटर्न। और मैं बोलना चाहूंगा स्मॉल डबल टॉप का इंपैक्ट होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि मैं इसे शॉर्ट करा रहा हूं, कि आप तो हमेशा शॉर्ट सेलिंग ही कराते हैं, आप बाय नहीं कराते। तो कहना चाहूंगा दोस्तों, आगे भी वीडियो देखिएगा, उसमें भी मैंने बताया था कि कल के दिन में कि कैसे ओरो फार्मा में भी पोजीशन बाय में बना सकते हैं, उसमें टारगेट आया था। बट मैं फिलहाल अगर बात करूंगा निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी का जो स्पॉट मार्केट का चार्ट है वो ये कह रहा है कि भैया इसमें अभी फिलहाल मेजर गिरावट बाकी है। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाते, जैसे कि फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड करना है और आपके पास मार्जिन कम है, तो वो क्या कर सकते हैं, निफ्टी की पुट खरीद सकते हैं, वो भी इन द मनी वाली पुट। दोस्तों इन द मनी वाली पुट का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन द मनी, या फिर मैं बोलूंगा डीप इन द मनी वाली पुट आप ले सकते हैं। उसका रीजन ये होगा कि उसका जो डेल्टा होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो डेल्टा ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, एक तो जो निफ्टी का जो प्रीमियम है वो फ्यूचर के साथ साथ ही चलता है। जैसे कि बोलना चाहूंगा कि अगर निफ्टी में मान लो कि आपने डीप इन द मनी की पुट बाय कर ली, और डीप इन द मनी की जब वो पुट बाय करते हैं तो मान लो उसका डेल्टा है 0.90 का। अब 0.90 का डेल्टा है, तो यहां पे निफ्टी में अगर 10 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो उसमें 9 पॉइंट की मूवमेंट आ जाएगी। तो वहां पे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करेंगे तो निफ्टी में दोस्तों जो मार्जिन लगता है वो कुछ 1,35,000 से 50,000 के बीच का मार्जिन है, तो वहां पे आपका जो मार्जिन है वो कम लग जाएगा। तो डीप इन द मनी वाली पुट आप खरीद सकते हैं किसमें, निफ्टी में। अभी कल का मार्केट एक बार और देख लीजिएगा, कल अगर मार्केट में गिरावट आती है, अगर कोई बेरिश कैंडल के साथ स्टार्ट होता है मार्केट, तो वहां पे आप डीप इन द मनी वाली पुट खरीद सकते हैं। और डीप इन द मनी वाली पुट खरीदने का बेनिफिट ये होगा क्योंकि उसका डेल्टा भी ज्यादा होगा और निफ्टी के साथ साथ चलेगी। ओटीएम की पुट आप जब खरीदते हैं आउट ऑफ द मनी की, तो उसका डेल्टा क्या होता है, स्टार्टिंग में काफी कम होता है, जब प्राइस उसके आसपास आता है तो उसमें डेल्टा बढ़ता है। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि डेल्टा की मैं बातें कर रहा हूं, तो कहना चाहूंगा अब मैं क्या करूंगा, आने वाली वीडियोस में थोड़ा ऑप्शन को भी मिक्स करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि आने वाले टाइम पे मार्जिन जब खत्म हो जाएंगे तो वहां पे आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करें। तो यहां पे मैं टेक्निकल के साथ साथ आपको ऑप्शन के बारे में भी बताऊंगा। तो फिलहाल कल की जो पोजीशन है मैं कल के दिन आपको बता दूंगा, फिलहाल निफ्टी में जो मुझे लग रहा था मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में, आज के कौन से स्टॉक थे जिनमें हमने ट्रेड बनवाया था। तो पहला स्टॉक है दोस्तों ओरो फार्मा,
ओरोफार्म आपको बताया था 925 रुपए के आसपास, क्योंकि यहाँ पे बना हुआ था हैमर। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा, मैंने ओरोफार्मा के बारे में बताया था और टेलीग्राम चैनल में मैसेज भी करा था 925 के आसपास की भैया हैमर बना हुआ है अच्छा रेट है खरीद लो। उसके बाद देखते हैं ओरोफार्मा में क्या हुआ। यहाँ पे ओरोफार्मा के चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे आपको समझाता हूँ ओरोफार्मा ने उसके बाद जो हाई बनाया है, अगर मैं हाई की बात करूं तो हाई बनाया है ओरोफार्मा ने 942 का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा 942 का। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अपनी पोजीशन बाय बना के चलिए कितने पे, 925 रुपए के आसपास यहाँ पे, और उसके बाद 942 का उसमें हाई बन गया था और मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करा दिया था 940 के आसपास। तो आशा करता हूँ कि आपने ओरोफार्मा में ट्रेड जरूर बनाया होगा और आपने पैसे बनाए होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको लिखना है चार्ट एनालिसिस, ये लोगों हमारी पहचान है, इसको जाके जल्दी से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दूसरे स्टॉक की बात करूंगा दोस्तों, वो है डीएलएफ। डीएलएफ में दोस्तों हमने आपको 289 के आसपास बोला था, रिकमेंड किया था डीएलएफ में पोजीशन शॉर्ट में बनाने के लिए। रीजन क्या था, मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाऊंगा, चार्ट पे आपको समझाऊंगा। यहां पे देखेंगे, ये देखिए मैं ना क्या करता हूं, सही जगह थोड़ा सा जूम कर देता हूं। यहां पे ना मैं यहां पे डीएलएफ में पैटर्न मिला था जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, इन डीएलएफ। अब यहां पे सेलिंग बन गई थी। अब आप बोलेंगे जी आप तो शॉर्ट सेलिंग करा, तो मैं क्या बोलूं, मेरा चार्ट बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोलता। मैं कोई दोस्तों ऐसा नहीं हूं कि बायस नहीं हूं कि मेरे को सेली सेल करना है या मुझे बाय बाय करना है। मेरा चार्ट जो मुझे बोलेगा मैं आपको बोल दूंगा, बस मेरा चार्ट कह रहा था भैया यहां पे सेल करो, तो मैंने शॉर्ट कराया, वैसे मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया। बट कहना चाहूंगा कल के दिन में जो मुझे इसका टारगेट लग रहा है वो लग रहा है दोस्तों, अगर इसकी बात करूंगा वो मुझे लग रहा है 281 के आसपास। तो 281 के लिए आप क्या कर सकते हैं, डीएलएफ में पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, क्योंकि पैटर्न बहुत जबरदस्त बना हुआ है दोस्तों, जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। कहना चाहूंगा हमारा जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है, अगर आप हमारे बता के किसी स्टॉक में कोई ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर 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 ले, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, मैंने आपको कल के लिए एक स्टॉक बता दिया ओरोफार्मा आपको बताया, अब मैं आपको क्या करूंगा दोस्तों, यहां पे लेके जाऊंगा अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन हमारी जो आती है वो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे आती है। अब यहां पे ये देखेंगे, हमने बहुत सारे मैसेजेस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे करे थे, एक मैसेज था दोस्तों वो था हमारा ग्रासिम का। ग्रासिम में एक बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बना था दोस्तों, जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, और 1032 के आसपास बोला था पोजीशन शॉर्ट में बनाने के लिए। तो यहां पे जाएंगे डायरेक्टली और आपको समझाएंगे। तो ग्रासिम का चार्ट मैं आपके सामने यहां पे दिखा देता हूं, ये देखेंगे ग्राफिक में दोस्तों शूटिंग स्टार पैटर्न बना था। ये मैंने अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मैसेज किया था और उसमें मैं अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करता हूं और दोस्तों और देखेंगे दोस्तों ग्राफिक में 1:1 का जो टारगेट था वो यहां पे आ गया था, शूटिंग स्टार की वजह से ग्राफिक नीचे आया। हां मानता हूं कि यार डीएलएफ नीचे नहीं आया बट ग्रासिम में टारगेट आ गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जो हमने रिकमेंड करे थे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बंधन बैंक बताया था क्योंकि बंधन बैंक में हैमर बना हुआ था, यहाँ पे देखेंगे। और बंधन बैंक जो हमने बताया था वो बताया था 365 के आसपास। तो यहाँ पे बंधन बैंक का चार्ट आपके सामने दिखा देते हैं, ये देखेंगे। ये मैंने क्या करा, अवर्ली चार्ट यहाँ पे आपके सामने लगा दिया और उसके बाद दोस्तों इसमें जो हाई बना है वो बना है 367.30 के आसपास का, और इसमें जो बाइंग इनिशिएट हुई थी दोस्तों वो हुई थी 360 के आसपास। तो आशा करता हूँ कि बंधन बैंक में भी आपने ट्रेड करके पैसा बनाया होगा। बट तो ये मैसेज मैंने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करे थे। इसके अलावा TCS, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स थे जो हमने यहाँ पे रिकमेंड करे थे, जैसे SDFC बैंक, बहुत सारे मैसेज थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ज्यादा से ज्यादा मैसेज करते हैं। उसका रीजन ये है कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास चार्ट्स होने चाहिए, तो आपके पास दोस्तों एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किस किस स्टॉक में पैटर्न बना हुआ है। अब आप अकेले काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों, सबको आप एक साथ नहीं देख सकते। तो हमने ग्रुप बना दिया टेलीग्राम चैनल पे, एक तो पब्लिक चैनल है उसमें हम एक दो मैसेजेस करते हैं, जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे उसमें हम ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आप करते हैं तो उससे क्या होता है, मैसेजेस ये नहीं बाय और सेल के, वो हम चार्ट पोस्ट कर देते हैं, वो डायरेक्टली चार्ट आप देखते हैं हाँ जी इस पे पैटर्न बना हुआ है, उसके हिसाब से आप ट्रेड बना के आप उसमें अर्निंग अपनी कर सकते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप अकेले काम नहीं करते, उसमें आपके साथ काफी लोग काम करते हैं। तो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें कुछ लोगों का एडमिन बनाया हुआ है और जिन्हें टेक्निकल करते हुए काफी टाइम हो गया है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, टेक्निकल चार्ट पोस्ट करते हैं जिससे आप सीख के लर्निंग के साथ साथ उसमें अर्निंग भी कर सकते हैं।
तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाना है, सीधा सीधा आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यूजर आईडी क्रिएट करनी है, ओटीपी पासवर्ड आएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 28 वीडियोस है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलएनवी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी सिखाई जाती है। इसके साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, कॉन्टेंट और क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम सर्विसेज आपको दूंगा। इसके साथ साथ कहना चाहूंगा, वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। और साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, संडे का वेबिनार भी मिलेगा, हर संडे मैं वेबिनार करता हूं, जिसमें आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, और साथ साथ हम अगले हफ्ते की जो तैयारी होती है, नेक्स्ट वीक में आप क्या क्या ट्रेड बना सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो 8,000 रुपए आपको पे करने हैं, सर्विसेज आपको लाइफ टाइम मिलेगी। और मैं बात करूंगा वीडियो के कॉन्टेंट की, दोस्तों ऐसा कॉन्टेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूं, मैं खुद ट्रेड करता हूं और ट्रेड आपसे बनवाता भी हूं। और देखिए दोस्तों, हमारी जो एक्यूरेसी है वो 70-80% की आती है, तो ये एक्यूरेसी आपकी भी हो जाएगी। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा, कल के लिए मैंने एक दो स्टॉक्स आपको बताए, जैसे डीएलएफ आपको बताया, उसमें आप ट्रेड बना सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, एक स्टॉक और है, वैसे मैंने आपको निफ्टी भी बताया, साथ साथ कहना चाहूंगा निफ्टी। और यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आइशर मोटर में भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आइशर मोटर में भी एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं बेरिश एनाइम, इसमें भी आप ट्रेड बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक स्टॉक ओवर है, अगर मैं उसकी बात करूं, वो है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी में दोस्तों कल टारगेट नहीं आया था, बट आप अब भी इसमें पोजिशन बाइंग में बना सकते हैं। और इसमें जो टारगेट हमें फिलहाल लग रहा है, वो लग रहा है दोस्तों 165 के आसपास का, 165 नहीं, 163 से 165 के बीच में, इसमें भी आप ट्रेड बना सकते हैं। बाकी मैं कहना चाहूंगा, कल के दिन जो फ्रेश ट्रेड होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक चीज और है, अगर आपको अच्छे ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं, तो दो ब्रोकर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी ब्रोकर के पास आप डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उनमें से किसी में भी डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं, तो संडे के जो वेबिनार है, मैं आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।